हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेचर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मस्त। ओके, गुड। तो बढ़िया होना भी चाहिए। आप लोगों का टॉपिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म होने का आ गया है। 3 चैप्टर बचे हैं और थोड़ा सा कुछ पिछला पार्ट बचा हुआ है। बहुत जल्दी 4-5 दिनों में कवर करा दूंगा। वैसे 2 दिन का कवर करा दूंगा था, थोड़ा सा बिजी हो गया शेड्यूल मेरा, इस वजह से कवर नहीं करा पाया। लेकिन कुछ बच्चों के सवाल हैं। आप लोगों को ये दिख ही रहा होगा क्या लगा रखा है मैंने यहाँ पर। एक तो कुछ बच्चों के सवाल अभी भी हैं, स्टिल, मतलब पूरा सेम लेक्चर मेरे को पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं क्या पढ़ना है, समझ रहे हो? अब भी कंफ्यूज है, पूरा टर्म एंड होने में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है? तो मैंने कहा लाओ बच्चों बता दूं, एटलीस्ट सेशनल में अगर कोई गड़बड़ करी है, फाइनल में वो गड़बड़ ना करे, बेवजह एक्स्ट्रा ना पड़े, ठीक है? तो हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू रिवाइज सिलेबस। आई थिंक ये तो सब लोगों को पता होगा, इस साल से फर्स्ट ईयर वालों का सिलेबस नया आ गया, पता है ना यारी बात? और सब लोगों पास नया होगा भी। ओके, नहीं होगा तो बता देना, मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ओके, चलो देखते हैं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लेकिन इससे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा। अभी भी बच्चा कहता है, कुछ बच्चे मेरा 3rd चैप्टर देख रहे हैं, कुछ बच्चे मेरा 2nd चैप्टर देख रहे हैं और कह रहे हैं सर वीडियो और डालिए, अच्छा लग रहा है। उनको पता ही नहीं है कि मैं और वीडियो डाल चुका हूँ, ठीक है? बहुत से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मैंने वीडियो आपका मिल नहीं रहे, प्ले लिस्ट में नहीं जा पा रहे हैं, जो भी कोई वजह आ रही है। तो देखो, सब उन सब चीजों का एक समाधान, वो समाधान ये है, आपको अगर मेरा कोई वीडियो देखना है, ठीक है, और मेरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है, क्या करना है वो मैं आपको बताने जाता हूँ, ठीक है? जितने भी टॉपिक जो तुम्हारे चैप्टर के, मतलब उसके कोर्स के हैं, सब्जेक्ट के हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मैंने अभी तक इसको कवर कराया है। थोड़ा सा लेट वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, लेकिन तब भी फेब में कोर्स मैंने कवर करवा दिया, लगभग खत्म हो जाएगा। क्या करना है तुमको, ठीक है? अपने ब्राउजर पे जाओगे। खैर, तुम लोग पास मोबाइल है, क्या है तुम्हारे पास? मोबाइल। तो तुम लोग कहां जाओगे? यूट्यूब पे। और अगर कोई लैपटॉप यूज कर रहा है तो वहां से भी ब्राउजर खोल करके कहां जाएगा वो बच्चा? YouTube पे जाएगा। क्लियर है, दिखाई दे रहा है? जैसे ही वो YouTube पे आएगा, जो सर्च वाला ऑप्शन होता है वहां पर क्लिक करोगे। जैसे ही तुम ये क्लिक करोगे, अब तुम्हें कौन सा टॉपिक देखना है, कोई एक नाम बताओ, ठीक है? चलो हम रैंडम कोई ले लेते हैं टॉपिक, जैसे कि एरर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है ना, एंटा एसिड, क्या देखना चाहते हैं? चलो तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले डालते हैं एरर, ठीक है ना? एरर लिख के RER, और फिर क्या लिखना है तुमको? एरर डाल के माई नेचर कृष्णा मेरे चैनल का नाम डाल देना है। बात समझ में आई? एरर डाल के माई नेचर कृष्णा डालोगे। जैसे ही माई नेचर कृष्णा डालोगे, उसके बाद कुछ नहीं करना है, तुम्हें सर्च कर देना है। देखो जैसे सर्च करोगे तो तुम्हें एरर वाला वीडियो जस्ट तुम्हारे सामने आ गया। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब तुम लोग क्या, मैंने कहा जैसे कि एंटासिड देखना चाहते हो, चलो एंटासिड देख लेते हैं। जैसे कि यहां डालोगे तुम, मेरा वेट बैलेंस तराजू है, मेरा वेट बैलेंस क्या है, तराजू है अगर एंटासिड माइनर चर कृष्णा। तो ये देखो एंटासिड, ठीक है ना, एंटासिड वाला जो लेक्चर है, ठीक है? तो जो टॉपिक तुम डालोगे वो मेरा लेक्चर निकल के बाहर आ जाएगा। एक और ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अभी लेटेस्ट में कराया है डायुरेटिक्स, और भी और कई सारे हैं, नाम जो मेरे मन में आ जा रहे हैं मैं ले रहा हूं रैंडम से। डायुरेटिक्स आ गया। तो ये अब सवाल बच्चों मैं बता रहा हूं बिल्कुल ना करें, कि ये सर जो टॉपिक है उस टॉपिक को डालें। अगर उस टॉपिक को डालने के बाद मेरा कोई लेक्चर नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली बात है मैं तो सारे कराए दिए हैं, या जो लेक्चर भी नहीं कराया तो हो सकता है उस लेक्चर को लेकर के ना निकले प्रेजेंट टाइम पर, ठीक है ना? अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं आज के टाइम पे, तो मैंने कितने करा दिए, जितने लेक्चर करा दिए उनके सबके आ जाएंगे, और आने वाले टाइम पे सबके आ जाएंगे, 2-4 दिन रुको उसके बाद सभी के आ जाएंगे, ठीक है ना? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के सबके आ जाएंगे, फिर कह रहा हूं। बात समझ में आई? दूसरी बात, दूसरा काम तुम लोगों को क्या करना है, मैंने बच्चों एक पोस्ट डाली हुई है जिसमें मैं वोटिंग करवा रहा हूँ कि नेक्स्ट सब्जेक्ट तुम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है? जो सबसे टफ लग रहा है तुमको, जो सबसे
ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्लियर है। तो शायद कुछ लोगों के पास पोस्ट पहुंच गई है, कुछ लोगों ने मिस कर दी, जाने क्या। तो मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं, मैं तुम लोग क्या करना है, ठीक है। देखो मैं उसी के हिसाब से कराऊंगा, फिर कह रहा हूं बाद में ये मत कहना कि सर आपने ये टॉपिक क्यों स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, माइंड टचर किसने डालना है, ठीक है, मेरे चैनल पे जाना है, जिनके पास अभी तक ये नहीं पहुंचा है, जो लोग कर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, यहां पहुंच गए इसे क्लिक कर दोगे, ठीक है। होम वीडियोस प्लेलिस्ट, ठीक है ना, यूट्यूब पे खिसकाओगे तुम्हें मिल जाएगा। और एक मिलेगा कम्युनिटी, क्या मिलेगा कम्युनिटी, कम्युनिटी के अंदर तुमको एक पोस्ट मिलेगी, हेलो बच्चों कैसे हो, बहुत जल्द डी फार्म फर्स्ट ईयर की फाउंडेशनल केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना चाहते हो, सब्जेक्ट वो चुनना जो जिसको समझने में दिक्कत ज्यादा हो, सभी लोग जल्दी जल्दी वोटिंग कंप्लीट करें। आपको यहां पर जो लोग कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट नहीं, ये चार ऑप्शन है, आपको इसको टच करना है, ठीक है, आपको टच करेंगे तो क्लिक हो जाएगा, जिसको आप टच करेंगे वो वोटिंग उसमें चली जाएगी, है ना, जैसे कि वोट डालते हैं, तो जिसको टच करोगे, मैं यहां टच नहीं कर सकता मैंने डाला हुआ ये, तो तुम लोग जब टच करोगे तो वो चीज क्लिक हो जाएगी, जितना जल्दी हो 2 से 4 दिन के अंदर पावर केमिस्ट्री खत्म होने वाली है, तुरंत ही वोटिंग करते हैं। फिलहाल ये रिजल्ट आप लोगों के सामने है, केवल 191 वोट्स आए हैं और फार्मा कॉग्नोसिस जीत रहा है, ठीक है। मैं फार्मा कॉग्नोसिस स्टार्ट कर दूंगा 2-4 दिन के बाद, फिर मेरे से मत कहना कि सर ये क्या हो गया, कि सर हमने तो ये कहा था, हमने तो वो कहा था। देखो जिसकी वोटिंग सबसे ज्यादा होगी मैं उसका कराऊंगा, मैं कह रहा कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आपने यू कर दिया, मैं बात समझ में आ गई ना, अगर फार्मासिटी या किसी और की संख्या ज्यादा बच्चों की तो मैं उनसे कहूंगा जाए जल्दी जल्दी वोटिंग करें, ठीक है, अदरवाइज 4 से 5 दिनों के बाद में ये कराना शुरू कर दूंगा। एटलीस्ट मैं चाह रहा हूँ कम से कम यहाँ 1000 वोट पड़ जाए तो एक अच्छा वोटिंग का स्कोर हो जाएगा, जिससे कि उससे मैं क्या है उन ज्यादातर हेल्प कर पाऊंगा बच्चों की, उससे और कोई मोटिव नहीं है, उस सब्जेक्ट में हेल्प कर पाऊंगा जिसमें आप लोगों को दिक्कत है। दो बातें मेरी होगी, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, क्या था हमारा मुद्दा, सिलेबस क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। फार्माकोग्नोसिस जब पढ़ेंगे उसका सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, पहले ये जो मैं अब खत्म कराने पे आ गया हूं, ठीक है ना। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है बच्चों, आओ देख लें क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है, क्लिक करता हूं मैं इसको आगे। तो देखो यहां पर क्या है हमारे पास, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री थ्योरी का चैप्टर है, अगर यही सिलेबस सेम तुम लोगों के पास है, अगर इधर-उधर से डाउनलोड नहीं किया, प्रॉपर साइट से डाउनलोड कर रखा है तो यही सिलेबस है। कोर्स का कोड है ER2012T, ठीक है। और अब हम आगे आ जाएंगे, ये सब बातें अब लिखी हुई है, क्या है, क्या करोगे, क्या सीखोगे वगैरह वगैरह। सिलेबस हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। सिलेबस स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 से। तो देखो क्या है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें स्कोप और ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो हम लोग कर चुके हैं, इंप्योरिटीज हम लोग कर चुके हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग जो लास्ट में आई थिंक रह गया है वो कॉम्प्लेक्समेट्रिक टाइट्रेशन और रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये दो टॉपिक हैं जो उस समय एक्चुअली मैंने लेट स्टार्ट किया था, बच्चों के सेशन स्टार्ट होने जा रहे थे तो आगे के चैप्टर आ रहे थे, तो इस वजह से मेरे को ये थोड़ा सा वहां छोड़ना पड़ा। इवन है ना जो फोर्थ चैप्टर था वो भी इस चक्कर में मिस हो गया था, फोर्थ चैप्टर जब उस समय कराने की बारी आई तो बच्चे आ गया, बच्चों के सबके आगे वाले सेशन आने स्टार्ट हो गए और 1-4 चैप्टर पहले सेशन में हो चुके थे, जिस चक्कर में मेरे को उसको स्किप करना पड़ता, मैं अब लास्ट में करा दूंगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। ग्रैविमेट्रिक एनालिसिस, अच्छा हाँ ये भी लेंगे ग्रैविमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3 इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसमें हेमाटेनिक्स डन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट डन, देख सकते हो जो जो यहाँ पे हेडिंग है मैंने सारी कराई है, टॉपिकल एजेंट डन है, ठीक है, और आई थिंक ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट और मेडिसिनल, सॉरी GIT, आई थिंक मी एंटासिड वगैरह तो हो ही गया है, टॉपिकल एसिड है, देन डेंटल प्रोडक्ट, ये डेंटल प्रोडक्ट का मेरे को डाउट है कराया है कि नहीं कराया, ये शायद करा दिया है मैंने, देन मेडिसिनल गैसेस, ये भी हमारा हो गया है, क्लियर है, ये पूरा हो चुका है, ठीक है। फोर्थ चैप्टर ये पेंडिंग में है, बहुत जल्द बच्चों इसके डिटेल लेक्चर आने वाले हैं, तुम लोगों को IUPAC ऐसे हो जाएगी कि चुटकियों में करोगे, ठीक है ना, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, भरोसा रखो। अब सबसे ज्यादा दिक्कत यहां पर है,
कि सर यहाँ इनमें क्या पढ़ना है, एनेस्थेटिक इनमें क्या पढ़े, क्या सर मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है, क्या सर बिना स्टार वालों के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, तो देखो मैं क्लियर कर दूं, जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है, ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिलेबस क्या बोल रहा हूँ वो देख लेते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड, ठीक है, जो निम्नलिखित कंपाउंड है उनको क्या करना है, स्टडी करना है विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू मतलब उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है ना, तो पढ़ना क्या है, उनकी क्लासिफिकेशन देखनी है, हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, गुड। केमिकल नेम एंड केमिकल स्ट्रक्चर, ये एक साथ लिखा हुआ है, केमिकल नेम और एक्चुअली केमिकल नेम और यहां होना चाहिए था केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तो केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर कंपाउंड्स, अब ब्रैकेट में क्या दे रहा है इसके आगे, कंपाउंड्स मार्क्ड विद स्टार, यानी कि केमिकल नेम और केमिकल स्ट्रक्चर सिर्फ उनके पढ़ने हैं जिनके आगे स्टार लगा हुआ है, जैसे सोडियम के आगे लगा हुआ, थायमिन सोडियम के आगे लगा हुआ है, ठीक है, कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के ऊपर स्टार लगा हुआ है, बात क्लियर होगी होगी अब, उसके अलावा किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम या स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, बात क्लियर है, ठीक है ना, तो यहां से तुम लोग एक बात समझ में आ गई होगी कि हमें किसका क्या पढ़ना है, ठीक है, स्टार और बिना स्टार वाली बातें क्लियर होगी, मैं स्टार बिना स्टार वालों के भी आईयूपीएसी और स्ट्रक्चर इसलिए करवा रहा हूं ताकि तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 है वो स्ट्रांग हो सके, और कोई वजह नहीं है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना तुम लोग काफी अच्छा कर ले जाओगे। दूसरा अब देखो क्या क्या पढ़ना है इसमें, पहला क्लासिफिकेशन, दूसरा केमिकल नेम और स्ट्रक्चर सिर्फ उन कंपाउंड का जिनके ऊपर स्टार लगा है, मैं बकायदा स्टार लगा के दे रहा हूं, ठीक है, यूज पढ़ने हैं उनके स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन कि वो किस किस कंडीशन में स्टोर किया जाए, ऐसा तो नहीं धूप में रख दें और कहां रखना है कहां स्टोर करना है, धूप में रखने से ड्रग्स क्या होते हैं खराब हो जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, यानी कोई दवा जैसे पैरासिटामोल है किस किस रूप में आ रही है मार्केट में, टैबलेट सिरप सॉल्यूशन इंजेक्शन, तो टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन में चला गया वो, एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम और उनका पॉपुलर ब्रांड नेम, तो बच्चों मेरे को ये बताओ क्या यहाँ पे कहीं पे मोड ऑफ एक्शन कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो परेशान बिल्कुल ना हो, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ बच्चा मोड ऑफ एक्शन, नहीं भैया मोड ऑफ एक्शन नहीं करना है, लिखा ही नहीं है मोड ऑफ एक्शन, तुम लोग जब कोलोजी पढ़ोगे वहां पढ़ोगे डिटेल में, सेकंड ईयर में तुम लोगों के पास एक सब्जेक्ट आएगा फार्माकोलॉजी, ठीक है ना, उस फार्माकोलॉजी में सब कुछ है, ठीक है, फार्माकोलॉजी में सब कुछ है, क्लियर है, जो सब्जेक्ट आएगा कोलॉजी उसमें तुम लोग सब कुछ पढ़ोगे, उसके द्वारा मोड ऑफ एक्शन भी होगा, अब तक था या अब हो सकता है आने वाले टाइम पे आ जाए, ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे अभी, अभी केवल इतना समझो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मोड ऑफ एक्शन नहीं है, क्लियर, कहीं नहीं लिखा है मोड ऑफ एक्शन, और नहीं लिखा उस बात पढ़ रहे हो तो नॉलेज तो अच्छी बात है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, तो बात समझ में आ गई, कोई भी ड्रग है तो क्लासिफिकेशन केमिकल नेम, दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर, तीसरा यूजेस, चौथा स्टेबिलिटी स्टोरेज, पांचवा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, छठा और सातवां, सात चीजें हमको किसी भी ड्रग के बारे में पढ़नी है, क्लियर है बातें, और उसमें भी ये दो चीजें हट जाती हैं केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास नाइटाजीपाम है, इसमें केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर पढ़ना ही नहीं है, तो केवल उसकी पांच चीजें, क्लियर है, उम्मीद करो ये सारी बातें मैंने अपने टॉपिक को लेके जो मैंने अब तक कवर करा दिया क्लियर कर दी होगी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, तो अब तो दिक्कत नहीं होगी, अब ये पूरा सिलेबस है, अगर तुमको ये चाहिए होगा सिलेबस तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, मैं इसका एक वैसे मेरे क्लास में सबके पास है, अगर नहीं है तो मैं बताना, मैं इसका लिंक डाल दूंगा, अदरवाइज वेबसाइट पर ले जाए, ठीक है, इसकी जो है उस पर तुम लोगों को जो हमारे फार्मेसी की वेबसाइट है वहां तुमको ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, मैं उसका लिंक वगैरह डाल दूंगा अपने उसमें, अदरवाइज बताना तो सीधा मैं इसका जो मेरे पास मौजूद है उसका लिंक डाल दूंगा, डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, क्लियर है, तो ये छोटा सा वीडियो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था बना दूं, ये दो चार कुछ बच्चों के सवाल थे जो खटक रहे थे, तो वो मेरे को आज मौका मिल गया, थोड़ा सा फ्री था आज में, मैंने इसको बना दिया है, ठीक है, तो अब तुम लोग क्या करना है, बेधड़क बिंदास होकर के जितना बता दिया उतना पढ़ो, बहुत जल्द जैसे ही ये मेरा खत्म होगा मैं उसके बाद हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन तुम लोगों को देना स्टार्ट कर दूंगा, परेशान ना हो, वो भी मैं पूरा करूंगा, चौथा जो रह गया बच्चों का कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, वो भी जल्दी शुरू करा दूंगा।
ठीक है ना। देखो बच्चों चीज में टाइम लगता है, अगर कंटेंट अच्छा बनाना है, कुछ चीज ऐसी देनी है कि उसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा हो, तो मेरे को मेहनत करनी पड़ती है। एक लेक्चर छोटा सा भी अगर मैं बनाता हूँ, आधा पौन घंटे का भी होता है, उसमें अगर 8 drugs है कम से कम अगर, तो बच्चों वो 8 drug को सर्च करके उसमें से बेस्ट कंटेंट निकाल के, और कई बार बुक की लैंग्वेज बहुत हैवी होती है, उसको शॉर्ट करना पड़ता है, सिंपल लैंग्वेज में कई बार कन्वर्ट करना पड़ता है, टाइम लग जाता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ढूंढने पड़ते हैं, तमाम चीजें हो जाती है, टाइम लगता है एक लेक्चर को बनाने में, मतलब लिखने में पहले टाइप करना उसको, आखिर बात तो यही है कि उससे बैठकर टाइप करना है, टाइप करके फिर उसमें जब मैं निपट पाता हूं 2-3 घंटा लग जाता है, दिन में मेरे पास और कोचिंग से और टाइम होता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करता हूं, रिकॉर्डिंग करने के बाद एडिटिंग होती है थोड़ी सी, ठीक है ना। एडिटिंग में क्या होता है, अपना लोगो वगैरह डाल दिया, और कैमरे में क्या है, एक प्रॉब्लम नहीं है, एक होता है कैमरा जो वीडियो है वो 25-25 मिनट के शॉर्ट्स बना, मतलब टुकड़े कर देता है, तो उनको जोड़ना पड़ता है, तो ये एडिटिंग करके फिर फाइनली अपलोड करना पड़ता है। अपलोड एडिटिंग में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता है, फिर अपलोडिंग में 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो ले देके पूरा दिन लग जाता है कैसे कैसे वीडियो में। कोई बात नहीं, वो मेरी मेहनत है, वो मैं करूंगा, आपका काम पढ़ाई करना है ना, पढ़ना है, और मैं देखूंगा रिजल्ट जब आप लोगों के कमेंट्स आएंगे, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, अगर किसी को इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई समस्याएं हैं, कुछ बातें कई बार बच्चा प्रॉब्लम में रहता है, शेयर नहीं कर पा रहा बातें, तो तुम लोग मेरे को, देखो मैं नंबर तो नहीं दे सकता क्योंकि अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, एक साथ फोन इतने सारे आ जाएंगे, मैं परेशान हो जाऊंगा, तुम लोग मेरे को मेल कर सकते हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है ठीक है, तो तुम लोग मेरे को क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो glorious christian, ठीक है, gloriouschristian@gmail.com, ठीक है ना। किसी टाइप की और प्रॉब्लम है, अगर मैं, अच्छा लगेगा मेरे को अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो और मैं उसमें आपकी हेल्प कर पाऊं, ठीक है। फिलहाल मेरी कुछ लिमिटेशंस ये हैं कि मैं एक साथ सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता क्योंकि बहुत बिजी रहता हूं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से अपना काम करूंगा, और मैंने इसीलिए सारे सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किए बच्चों, जो बच्चे बिल्कुल, कई बच्चे बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंड ना हो जाए कि सर पूरा कराएंगे हम तब पढ़ेंगे, मैं ये नहीं चाहता था। एटलीस्ट मैंने कहा था मैं फार्मास्यूटिकल खत्म करूंगा, तो खत्म कर दिया, बाकी के लिए बच्चा कहीं और से पढ़ रहा होगा, है ना, इसीलिए मैंने सारे सब्जेक्ट को टच नहीं किया, एक एक करके कराएंगे, ठीक है। और सेकेंड ईयर में शुरुआत से कराना स्टार्ट कर दूंगा, तो उम्मीद है मैं 2-3 सब्जेक्ट सेकंड ईयर में कवर करा पाऊंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम है मेरे सामने है, और उसके बाद एक ही काम है, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप लोग अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए और रिवाइज कीजिए, रिवीजन करोगे सब कुछ समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।